मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। आइए करें इस देश के महा त्योहार की तैयारी। वेरी गुड। वाह साहब, धन्यवाद। हर पीढ़ी के मतदाता हम, जनतंत्र के भाग्य निर्माता हम, मतदान केंद्र की ओर चले जिम्मेदारी का एक कदम। हम हो बुजुर्ग या हो युवा, हम हो बुजुर्ग या हो युवा, मिलकर मतदान करेंगे हम। 29 अप्रैल और 6 मई को अपना वोट जरूर दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी, देश के महानार की तैयारी। मारो केणो है जी, वोट देणो है जी, मारो केणो है जी, वोट देणो है जी, वोट सब ने देणो है, हां वोट सब ने देणो है, मारो केणो है जी, वोट देणो है जी, वोट सब ने देणो है, हां वोट सब ने देणो है। जानो है जी, वोट डालनो है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालनो है जी, पर्ची देखनी है जी, वीवी पेट में देखनी है, हां वीवी पेट में देखनी है, मारो केणो है जी, वोट देणो है जी, वोट सब ने देणो है, हां वोट सब ने देणो है। नोट नी लेनो है, पैर नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी, लोकतंत्र मजबूत करनो है, हां लोकतंत्र मजबूत करनो है, मारो केणो है जी, वोट देणो है जी, वोट सब ने देणो है, हां वोट सब ने देणो है, पाया वोट सब ने देणो है, कुका वोट सब ने देणो है, रे बापू वोट सब ने देणो है, ओ बेना वोट सब ने देणो है, बासा वोट सब ने देणो है। लास्ट टू प्रोग्राम है।
मेरा देश मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी, आइए करें इस देश के महात्योहार की तैयारी। मेरा देश मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी, करें देश के महात्योहार की तैयारी। हम लोकतंत्र की जान बने, जन जागृति का आह्वान बने, मजबूरी से ऊपर उठकर मजबूती की पहचान बने। हो सबल सभी, हो सफल सभी, हो सबल सभी, हो सफल सभी, कर्मठता का परिमाण बने। दोस्तों नमस्कार, वोटिंग है, 29 अप्रैल है, लोकसभा के चुनाव है, उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से बोल रहा हूँ और यहाँ का वार्ड नंबर 34 है। 34 वार्ड नंबर के संत तेरेसा स्कूल में ये सारी चीज़ें हैं। इस समय उदयपुर लोकसभा में 9 प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, निर्दलीय, कुल मिलाकर जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। कम नंबर है अर्जुन जी मीणा, इनका भी अपना एड्रेस है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भारतीय जनता पार्टी, निशान कमल। दूसरे नंबर पर केसुलाल मीणा, सखी खेड़ा तहसील दरियावत के हैं, बहुजन समाज पार्टी से ये खड़े हुए हैं, हाथी का निशान है। तीसरे नंबर पर घनश्याम सिंह तावड़, आवरी माता कच्ची बस्ती में रहते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं और ये दांतली हंसिया जो भी निशान है। चौथे नंबर पर कांग्रेस के रघुवीर सिंह जी मीणा है, ये प्रसाद के रहने वाले हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, हाथ का निशान। पांचवे नंबर पर कीका मीणा, राजपुरा सलूम्बर के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। छठे नंबर पर प्रभुलाल मीणा, डाकन कोटड़ा, बहुजन मुक्ति पार्टी, माचे का निशान है। गिरधारी लाल छानवाल, धूलकोट चौराया बोरा गुणे जी, भारतीय ट्राइबल पार्टी, टेम्पो का निशान। शंकरलाल जमुड़ा का खेड़ा, सत्य बहुमत पार्टी, टीवी का निशान। हरजीलाल मीणा, ये हरजीलाल मीणा है, मीणा फला, ईश्वरवास डांगियान सलूम्बर के हैं, अंबेडकर पार्टी, अंबेडकर काइट पार्टी, इनका निशान है कोट। कुल मिलाकर मैं फिर बता दूं, ये 9 प्रत्याशी हैं उदयपुर लोकसभा से। प्रमुख जो जंग है, प्रमुख जो लड़ाई है, प्रमुख जो कंपटीशन है, वो है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस के रघुवीर सिंह मीणा, भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन लाल जी मीणा। वर्तमान में 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी इन दोनों के बीच टक्कर थी, लेकिन रघुवीर जी उस समय भी हार गए थे। आज फिर अर्जुन लाल और रघुवीर मीणा की टक्कर है 2019 में, देखें रिजल्ट क्या आता है। वोट दे रहे हैं उन लोगों को, धन्यवाद। बेन जी हमारी तरफ देखिए, आपका फोटो आ रहा है, यस थैंक यू। हेलो, हाँ बेटा, नमस्ते साहब, नमस्ते। ये आ गया साहब, सबर ले लो, हमारे के जा, हमारा काम ही यही है, सबर ले ला। यस सर, थैंक यू। नरेंद्र मुझे नो डील करता है, हाँ, और नहीं कर सकते। भाई साहब नमस्ते, दे दो, वाह धन्यवाद। नमस्कार, 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 नमस्ते, नमस्ते साहब, नमस्ते। यस सर, नमस्ते। जैसा कि वोटिंग हो रही है, बोरा गणेश जी क्षेत्र है, कांग्रेस के वरिष्ठ भरत जी आमेटा है, भरत जी आमेटा,
लगभग कांग्रेस के सभी लोग जानते हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी जानते हैं, क्योंकि भरत जी आमेटे का रिलेशन ही सबसे बहुत अच्छा है। भरत जी भाई साहब, कैसा है आपके इस क्षेत्र में वार्ड नंबर 34 में? धन्यवाद छोकाला जी भाई साहब। वार्ड 35 के अंदर मतदान की प्रक्रिया बहुत अच्छी चल रही है, वोटरों में काफ़ी उत्साह है और सभी अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र की तरफ जा रहे हैं। मतदान केंद्र पर लंबी लाइनें लगी हुई है और काफ़ी सारे मतदाता हमारे कांग्रेस के प्रति वोट देने के लिए जा रहे हैं। अभी बात आपसे और पूछूंगा यार, 2014 में भी यही जो लड़ रहे हैं ना अर्जुन जी मीणा और रघुवीर जी मीणा थे, 2014 में तो अर्जुन जी मीणा जीत गए, ये 2019 है और ये मोदी की भी लहर है, फिर क्या होगा? जो मोदी साहब ने जो जीएसटी और नोटबंदी के खिलाफ पब्लिक बहुत हो गई है, इसलिए वोट मोदी साहब को नहीं देकर विकास वाले लोग जो कांग्रेस पार्टी है उनको वोट दिया जा रहा है। भरत जी आमेटे का यही कहना है, इधर से ये हमारे सभी लोग खड़े, अपना अपना परिचय दे दो खाली। मुकेश बड़गुजर वार्ड 34। सतनारायण टांग वार्ड 35। शंभू सिंह राठौर वार्ड 35। आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो, आईना बनने से बेहतर है कि तुम पत्थर बनो, जब जब तरासे जाओगे तो घर घर में कांग्रेस कार्यकर्ता पाओगे। इंजीनियर पीयूष जोशी। मोहनलाल जी अजमेर से, और भी वोट डालने से अजमेर से यहाँ आया हूँ। कांग्रेस के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। थैंक यू सर, वाह, आदरणीय आदरणीय भरत जी भाई साहब, क्या भरत जी हमें मतलब भरत जी आमेटा हमारे मित्र भी हैं, बहुत बढ़िया। भाभी जी जब लड़े थे ना फर्स्ट इलेक्शन, तब से हम साथ में थे। वाह धन्यवाद, आपके आशीर्वाद से पहले जीती थी पत्नी यार, वाह, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं होता है। वार्ड नंबर 34 और 35 है, बहुत खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के दो पार्षद वार्ड नंबर 34 के और 35 के, 34 की तो है हंसा माली और 35 के पार्षद है जगत जी नागदा, उसके बाद में हरीश जी वर्मा साहब भारतीय जनता पार्टी के, सतीश जी भटनागर वार्ड अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता अपना परिचय दे देंगे। क्या लगता है यार, पिछली बार तो आपकी पार्टी यानी कि सांसद भारतीय जनता पार्टी का बना था, वही टोली वापस, मतलब वही जोड़ी, टोली नहीं, वही जोड़ी वापस रिपीट हुई है 2019 में? 2014 से ज़्यादा बड़ी विजय की ओर हम बढ़ रहे हैं, अग्रसर हैं, और पहले तो मोदी जी की लहर थी लेकिन इस बार सुनामी है। उसका मेन कारण जो है वो क्या है, कोई ऑप्शन नहीं है, सामने इतने गठबंधन के नेता हैं लेकिन एक भी नेता ऐसा योग्य नहीं है जो प्रधानमंत्री लायक हो, और देश की जनता गठबंधन सरकारों से उठ चुकी और देख चुकी है। जब जब भी देश में गठबंधन की सरकारें बनी वो 6 साल 1 साल से ज़्यादा नहीं चली, और आज देश हमारा जिस विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है और जो हमको गति चाहिए 21वीं सदी की, वो एक मजबूत सरकार और वही दे सकती है, और उसका लोगों को अच्छी तरह से पता वो है। वो ही दे सकती है। हंसा माली वार्ड नंबर 34 की पार्षद है, सब लोग जानते हैं, पूरा उदयपुर के हंसा माली मेरी पत्नी भी है। ले लड़ निकल गया। ये वार्ड नंबर 34 का बूथ संख्या 110 है। कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, उत्साह है, क्योंकि मोदी जी विजय होने वाले हैं, प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और यहाँ से अर्जुन जी लाखों वोटों से विजय होंगे, और यही शुभकामनाएं मैं सबको देती हूँ और शहरवासियों से आग्रह करती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आप हमेशा रहे हैं। मेवाड़ हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उदयपुर भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है, उसके लिए उदयपुर शहर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी ऐसा ही आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहे, ताकि नगर निगम के अंदर भी जो हर समय बोर्ड भाजपा का बनता है, अगली बार भी भाजपा का बोर्ड बने। मैं चाहता हूं कि वार्ड नंबर 34 और 35 के कार्यकर्ता, कहीं तो चालू है, वार्ड नंबर 34 और 35 के कार्यकर्ता हैं, सब अपना अपना परिचय दे दे, बस जोर जोर बोल। हरीश वर्मा जयश्री कॉलोनी के अध्यक्ष है और भारतीय जनता पार्टी के भाग संख्या 110 के सदस्य, और हम चाहते हैं कि अर्जुन जी मीणा कम से कम 1.5 लाख वोटर से जीते। सतीश चंद्र भटनागर वार्ड नंबर 34 का
शक्ति केंद्र प्रभारी हूँ। मेरे पास ये चार बूथ है अभी इस वार्ड के, और मैं अभी चारों बूथों का मैं ये देख करके आया हूँ। और बड़ा अच्छा माहौल दिख रहा है, एक तरफा माहौल दिख रहा है, मोदी सारी मोदी जी की लहर चल रही है। और हम रंजित कुमार खोखावत, भाग संख्या 110, अध्यक्ष वार्ड। संपत लाल माहेश्वरी, भाग संख्या 109। मैं वार्ड 35 राधा माहेश्वरी, कार्यकर्ता बीजेपी, और बीजेपी ही आएगी। केएस जैन, जयश्री कॉलोनी। मोदी है तो मुमकिन है। वार्ड नंबर 34 उर्मिला चौधरी, सक्रिय कार्यकर्ता। वार्ड नंबर 34 किरण भोई, सक्रिय कार्यकर्ता। राजेश मीणा, एसटी मोर्चा मंडल अध्यक्ष, राणा प्रताप मंडल। ओम प्रकाश शर्मा। जय श्री राम, मैं उमेश नागदा, वो बूथ संख्या 111, अध्यक्ष। और मोदी है तो मुमकिन है। जय श्री राम, जय श्री राम। एडवोकेट लोकेश जोशी, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, वार्ड बूथ संख्या 109 प्रभारी। मोदी अगेन, नमो अगेन। थोड़ा आगे आगे, बस बस बस, नहीं बस ठीक कर रहे हो। हाँ, हर हर
तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज ये वार्ड नंबर 41 के सर्व ऋतु विलास शिवाजी नगर अग्रसेन नगर का पोलिंग बूथ है और इस पर कॉलोनी के सभी लोग बहुत उत्साह के साथ में सवेरे से अभी तक वोट देने के लिए जा रहे हैं। और मैंने तो मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसा देखा है कि इस बार जो मोदी जी के प्रति सहानुभूति है, लोगों का प्रेम है, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार बहुत भारी वोटों से हमारे यहाँ के प्रत्याशी अर्जुन जी मीणा जीतने वाले हैं। तारा फोटो आवेगा टीवी पे, यह वोट है भारत सरकार में। कहाँ रहते हैं यहाँ? यहाँ भंडी में। किस तरह? शनि मंगल। नहीं, किसके पास? तो भाभी ने इन वाला ने भी तो लिया थे। सही। किस तरफ मतलब ये मेन रोड? सब अलग अलग आएंगे। ऑफिस है। भीड़ है। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। आइए करें इस देश के महात्योहार की तैयारी। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। करें देश के महात्योहार की तैयारी। संकल्प शक्ति से भर जाए, चलो वोट करें। सबको पूरी संतुष्टि हो, सबको पूरी संतुष्टि हो, अपने मत की पुष्टि पाए। 29 अप्रैल और 6 मई को अपना वोट जरूर दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। मेरा देश, मेरा वोट, मेरी जिम्मेदारी। देश के महात्योहार की तैयारी। जिस तरह से पब्लिक आज मतदान कर रही है, उससे तो यही लगता है कि अब की बार 70% से ऊपर वोटिंग होगी और उसमें 25-25 सीटें भाजपा को जल्दी जल्दी नजर आ रही है। बूथों का क्या माहौल है? बूथ पे अभी रेगुलर, अभी गमजोर नगर से 45% करीब वोटिंग हो चुकी है और आगे भी अभी तक चली है, तो इसलिए 70% के करीब वोटिंग, 65-70 से ऊपर ही वोटिंग होगी। बहुत ही शांति से इलेक्शन चल रहा है, वो काफ़ी महिलाओं में भी ज़्यादा उत्साह देखा है और काफ़ी अच्छी खासी भीड़ भी है और सभी महिलाएं लगी हुई है और सब महिला सब मिल के कर बहुत अच्छा है। माहौल बहुत अच्छा, माहौल चल रहा है, अंडर करंट है, जनता त्रस्त हो चुकी है जीएसटी से,
नोटबंदी से, इसलिए जनता बहुत ज़्यादा अंडर करंट है, भीड़ हमारे सब कार्यकर्ता भी दौड़ रहे हैं और लोगों को बुला रहे हैं, लोग वोट डाल रहे हैं और किसी को कहने की जरूरत जनता अपने आप दे रही है, जो विधानसभा में किया है वैसे ही लोकसभा में कर रही है, बराबर चल रहा है वो अच्छा। और अभी कांग्रेस का पूरा बढ़िया माहौल चल रहा है, किस तरह का माहौल है? बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है, वार्ड से बूथ से लोग निकल कर आ रहे हैं, महिलाओं और पुरुषों की संख्या बराबर है और सब तरफ मोदीमय माहौल है। पुनः लोग प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, छोटे से छोटे बच्चे से लेकर कर बड़े से बड़े, बहुत खुश माहौल है, कोई और शांत वातावरण बना हुआ है और मोदी को लाना है इसी उद्देश्य के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वोटिंग कर रहे हैं। मेरा देश मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी, आइए करें इस देश के महात्योहार की तैयारी। मेरा देश मेरा वोट मेरी जिम्मेदारी, करें देश के महात्योहार की तैयारी। अब कोई ना कर भरमाए, मन में डर ना घर कर पाए, जिम्मेदारी से मत डाले एक काम ये पूरा कर जाए। कोई चीज नहीं मत की कीमत, कोई चीज नहीं मत की कीमत, खुद समझे सबको समझाए। 29 अप्रैल और 6 मई को अपना वोट जरूर दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।